नमस्कार, हम वाणी जीत कुमार और हम सब चालू कर दल वाणी न्यूज तक भोजपुर देखे। हम फिर फिल्म बैरी अंगना के सेट से एगो कमाल के आर्टिस्ट बानी, इनकर से बात करम और सर से जानने की कोशिश करी कि फिल्म में का करते नहीं और फिल्म कितना चैलेंजबल बा और फिल्म कितना खास बाटे। नमस्कार सर, थोड़ा मेरे दर्शकों का परिचय दे दीजिए। नमस्कार, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते जाता हूँ और आपको भी अजीत कुमार जी, और सब ठीक है। आप क्या परिचय बताइए अपना नाम सर? मेरा राधेश्याम वर्मा हूँ, मैं मऊ जनपद से रहने वाला हूँ और काफ़ी दिन से इस फिल्म लाइन में हूँ मैं, और काफ़ी संघर्ष के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं तो काफ़ी पिक्चर कर चुका हूँ। चलिए सर, काफ़ी फिल्मों के बारे में भी हम आगे आपसे बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं फिल्म बैरी अंगना के सेट की जो भी कहानी है। एक्चुअली आप इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, कौन से करेक्टर कर रहे हैं और ये फिल्म कितनी बड़ी फिल्म है? ऐसा है कि ये बैरी अंगना जो गोरखपुर शूट हो रही है बहुत अच्छी पारिवारिक फिल्म है, ड्रामा फिल्म है और सभी आर्टिस्ट इसमें मार्केट के हैं और अच्छा कलाकार हैं, इसमें काम कर रहे हैं। मैं इसमें जो है एक फूफा के रोल कर रहा हूँ और एक चैलेंजिंग रोल है और दर्शकों जब पिक्चर आएगी देखेंगे तो पसंद आएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें फूफा का रोल कर रहा हूँ। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि शादी ब्याह में फूफा कैसे खिसिया जाते हैं बात बात में, चाहे वो खाना के लिए हो या कपड़ा के लिए या कभी कभी न्योता देने के लिए। चलिए उस बात पर, ये तो फिल्म में दिखाया जाएगा। सर अच्छा ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के? मैं मऊ जनपद रहने वाला हूँ। मऊ जनपद रहने वाला। मतलब आप इतने एज तक आप हो भी गए हैं तो कंटिन्यू आप काम करते रहे कि अचानक से सडनली आप इस काम में आ गए? नहीं, मैं लगातार अभी जगह देखिए, मैं आजमगढ़ में जो है समर सिंह साथ में ससुराली जिंदाबाद, उसके बाद में फिर दिनेश जी के साथ करके आया हूँ। मुझे क्या कहते हैं ये आपका मेरे हस्बैंड की शादी है, कंप्लीट हुई है। उसके बाद में घर परिवार में भी गया, सिप्ट गया था तो वहाँ के डायरेक्टर मंजू ठाकुर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं इसमें कुछ करेक्टर निकलता है तो उसमें हो जाता है फोन आ जाए। उसके बाद में बैरी अंगना कर रहा हूँ, उसके बाद में अंगना और इसके बाद में फिर जो है हमारे डायरेक्टर हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके साथ जो है मैं 10 तारीख से जो है छपरा में शूटिंग कर रहा हूँ। फिल्म का नाम है अनमोल रिश्ता। चलिए, लगातार फिल्म कंटिन्यू मिल रहा है। हाँ, लोगों से बातचीत होती है डायरेक्टर प्रोड्यूसर से। अब देखिए 25 तारीख से फिर एक फिल्म मिली है हमको, उसमें भी करना है हमको लखनऊ में। तमाम हम चल रहे हैं, अपना रेगुलर काम मिलता रहता है, मार्केट में है और सब लोग पसंद कर रहे हैं। भाई आप लोगों का आशीर्वाद है, दर्शकों का आशीर्वाद है जो हम लोग को भाई। कोई ऐसी सर ये बताइए, कोई ऐसी फिल्म आई हो जिसमें आपका रोल दमदार हो, कोई उसका डायलॉग्स याद आता हो? नहीं, तो एक फिल्म आई थी अजनबी, अजनबी जिसके डायरेक्टर रामजी पटेल थे, उसका एक डायलॉग था। उसमें जो है बंगले का मालिक उसको अमीर आदमी दिखाया गया है और मैं बंगले का मालिक हूँ और हीरो जो है वो बंगला लेने आता है। अक्सर में वो है हीरो जो है होता है मुसलमान होता है और अपना नाम हिंदू बता करके मेरे बंगले पर जो है कब्जा कर लेता है। वो प्रेम सिंह की फिल्म? हाँ, प्रेम सिंह से अजनबी। हाँ, अजनबी वो फिल्म थी। उसके बाद में प्रेम सिंह के साथ में और भी फिल्म क्या क्या काला साम्राज्य में माया लाडू मदेसिया के साथ चल रहा है काम, तो लगातार आप लोगों के आशीर्वाद है फिल्म। उसको डायलॉग्स क्या? उसमें डायलॉग तो ये था कि जैसे मेरा मकान है तो मकान में जो क्या कहते हैं वो हमारे भाड़े पर लेने आते हैं तो मुझसे कहते हैं कि हमको भाड़ा बंगला चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा है कि ठीक बा, मैं आपको भाड़ा बंगला मिल जाएगी, हम एक रुपये किराया भी ना लें। एक रुपये किराया भी ना लें तो हम वैसे भी एक महीना खाते अमेरिका जात बानी और हम एक बार भाड़ा भी ना लें, पर लेकिन हम बहुत बड़ा कट्टर हिंदू आदमी हैं, हमारे घर में हिंदू मुस्लिम सभी देवता हमारे साथ रहे ना और घर के आसपास कौन मुसलमान के परछाई ना पड़े चाहिए, अगर पूछना पड़े परछाई पड़ गई तो हमसे बुरा क्यों ना हो। तो कत साहब ऐसे चिंता मत की, हम कब जो है आपके घर के सामने कोई मुसलमान की परछाई ना पड़ी, आप खुशी खुशी अमेरिका जाएँ। उसी बात आलू और भी है। चलिए ठीक है वाला जी। अच्छा, फिर बैरी अंगना में एक्चुअली लगता है कि लगभग 60% शूट भी हो गया। मैं सब आर्टिस्टों से बात कर चुका हूँ यहाँ पर। जी। ये फिल्म कब तक आ जाएगी, आपको उम्मीद क्या है? उम्मीद देखिए, कोई पिक्चर बनने में कुछ करने में डमी करने में एडिट करने में समय लगता है तो मुझको लग रहा है कि 2-3 4 महीने के अंदर मार्केट में आ जाएगी। इस फिल्म के हीरो जो हैं चंदन सिंह गौतम या इस फिल्म की हीरोइन निशा पांडे, इन लोगों का मतलब काम करने का तरीका क्या है और कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं? देखिए, चंदन सिंह के साथ मैं पहली फिल्म कर रहा हूँ। हाँ, वैसे लड़का जो है मेहनती भी है, देखने में अच्छा लग रहा है, काम अच्छा कर रहा है। उनके साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और संजय पांडे के साथ मैं कई बार कर चुका हूँ और आर्टिस्ट जो है कई आर्टिस्ट हैं जिनके साथ में कई फिल्म काम कर चुका हूँ। चंदन जी के साथ मेरी पहली फिल्म है। अच्छा जी,
बारे में कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ, वैसे वो अच्छा काम कर रहे हैं जी। चलिए, इस फिल्म के डायरेक्टर साहब हैं वीरगो बृंदा जी, उनका काम करेगा कराने का तरीका क्या है और वो फिल्म को लिखे भी हैं, क्योंकि मतलब राइटिंग में कितना दम है और फिल्म के जब सेट पर कराते हैं तो वो कितना दम दिखता है, इसके बारे में कुछ बता दें। बृंदा सर जो है काफ़ी मेहनती आदमी है, निर्देशक भी लेखक भी हैं, इससे पहले कई जो है उन्होंने एक स्टोरी लिखी है, पिक्चर शूट हुई है और एक फिल्म लिखी थी उन्होंने जो है क्या कहते हैं ये जो है मिलनवा ने ये फिल्म आई थी, कौन सी थी वो मैं नाम भूल रहा हूँ, चलिए ठीक है हाँ वो बोला उसको फिर, अच्छा फिल्म है, मेहनत करते हैं, अच्छे आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं और स्टोरी में पढ़ा हूँ थोड़ा बहुत जानकारी है, तो उन्हें एक अच्छी कहानी है, अच्छा कॉन्सेप्ट है और अच्छी पारिवारिक फिल्म बन रही है। चलिए सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और सर एक मजे हुए कलाकार भी हैं, तो आप लोग इस तरह के हर एक इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे अलग आप रिव्यू शिव्यू देखते हैं, और मैं भी थोड़ा फिल्म के सेट पर ही हूँ इस वक्त, इसलिए मैं इटली कई फिल्मों का न्यूज़ नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए आप लोग क्षमा करिएगा, बाकी आप लोग यूँ ही देखते रहें न्यूज़ तक भोजपुरी, बाकी रामजीत नमस्कार।